अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ्स का। और आ गई हैं जी फूड सीक्रेट्स एक और रेसिपी के साथ। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये मेरी बेकरी स्टाइल आलमंड केक की। तो चलिए जी, बगैर हम लोग इसको ओवन के बनाने वाले हैं। बिल्कुल सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, सारे सीक्रेट्स बताऊंगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। बस हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेना है, यानी कि जो इसमें हमारा पैन फिट आ जाए। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर जो है इसकी बेस में मैंने नमक को बिछा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे, जो चीज़ अवेलेबल हो उसको आपने यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ओवन को जनाब प्री हीट, यानी कि ये हमारा जो पतीला है ये अब ओवन बन चुका है। इसमें मैंने स्टैंड रख देना एक, तो मेरे पास पैन था, मैंने पैन ही रख लिया। आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। यहाँ पर एक कप, ये मेरे पास मेजरिंग कप है। जब भी आपने बेकिंग करनी है, आपने याद रखना है कि आपके पास मेजरिंग स्पून्स और कप होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हाफ कप मैंने ग्राउंड आलमंड्स लिए हैं, ठीक है, यानी कि पिसे हुए बादाम। और एक कप मैंने अब ले लिया है मैदा। और यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भरकर, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, इसको मैंने छान के रख लेना है एक साइड पर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक स्टेप। अमूमन होता क्या है कि हम लोगों को इसी तरह मिक्सिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें हमें क्रम्बीनेस आ जाती है। अब ये देखें, ये जो बादाम नीचे बच गए हैं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है आप यूज़ कर लें, अगर आपकी मर्ज़ी है आप ना यूज़ करें। तो लेटर ऑन मेरा इरादा बन गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है आपने डालने हैं नहीं डालने हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 4 अंडे हैं, 1 कप मैंने शुगर जो है हमारे मिक्सी जो होता है ग्राइंडर, उसमें मैंने शुगर को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद है हमारे पास जनाब 1 कप ऑयल। यहाँ पर देखिए, मैं पैन को अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आ जाते हैं जनाब बादाम किस तरह से लगाने हैं, आपकी अपनी चॉइस है। पैन में लगा लीजिए, अंदर डाल लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है, जो आपको ठीक लगता है वैसे के वैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब देखें दरमियान से हाफ करके बादाम तो इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने लाइंड अप कर लिए हैं। आप चाहे नीचे पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर कुछ भी बिछा लें, तो उसके साथ जो है वो बादाम स्टिक कर लें, अपने सेट कर लें। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ कर लिया है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह आपको जो ये रेसिपी है, ये इंशाल्लाह आपकी तमाम तर जो मिस्टेक्स हैं उसको कवर कर लेगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका केक भी मेरी केक की तरह बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ये प्रोफेशनल रेसिपी है मेरी सिस्टर की, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर जनाब देखिए कि मैं इसको अंडों को बीट कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जहाँ पर आती है, केक बैठ जाता है, डेंस हो जाता है, वो यही होता है कि आपकी जो है ना वो बीटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता और हम शुगर ऐड कर देते। जब तक अंडे क्रीमी फ्लफी नहीं हो जाते, हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करनी है। स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब देखिए कि कितना मैंने इसको फोमी और क्रीमी कर लिया है। अब यहाँ पर वनीला एसेंस जा रहा है 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। मेरे वाला ज़रा स्ट्रॉन्ग था तो मैंने थोड़ा कम डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने उसके अकॉर्डिंगली डालिएगा अरोमा जितना आपको चाहिए। यहाँ पर मैं ग्रेजुअली शुगर ऐड कर रही हूँ। देखिए मेरे अंडे बैठे नहीं हैं शुगर ऐड करने के बाद, और फ्लफ़ी हो गए हैं। ये इसी तरह से होता है कि आप इसको जितना बीट करते जाते हैं, स्लोली ग्रेजुअली आपने जो भी चीज़ डालनी है, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ग्रेजुअली डालने हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, ठीक है। और अब देखिए आधा आधा करके मैं ऑयल डाल रही हूँ। पहले आधे को मिक्स करेंगे, देन दोबारा आधे को डालूंगी। तो आपने सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा कॉमेंट आकर ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो आई होप कि जैसे मैंने आपको बताया है, आप मेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह केक की मेकिंग में आपको जो भी मिस्टेक्स आती हैं। अब ये देखें, मैंने ओवन का इस्तेमाल नहीं किया है। पतीले में इतना अच्छा और कलर्ड केक बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से हम लोग इसको पतीला बेकिंग करेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह हमें। और यहाँ पर देखें, अब आ गया है जनाब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऐड करने का। जी देखें मैं कितने हल्के हाथ से, मैं यही मेरी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है, और इसी से मैं कर रही हूँ। मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, कोई स्लो डाउन नहीं किया, और आराम आराम से इसको बहुत ही हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया है। केक का मेन स्टेप यहीं पर होता है, यहीं पर हम सारा केक का सत्यानाश कर बैठते हैं। सत्यानाश इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हो जाता है ना, तो यहीं पर जो है वो कच्चा रह जाता है, डेंस हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, मैदा अलग हो जाता है। तो सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो इन स्टेप्स की ख़राबी की वजह से ही पेश आते हैं। तो यहाँ पर जनाब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है।
और बहुत ही जेंटली मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप शायद बोर ना हो रहे हो मेरी इस बात से कि ये बार बार एक ही बात करी जा रही है, लेकिन 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 जितने लोगों की चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो फिर यूट्यूबर्स को अच्छा नहीं समझा जाता कि भाई वो सही बात ही नहीं बताते। तो भाई मैं हूँ ना आपको सारी बातें बताने के लिए, सारे सीक्रेट्स बताने के लिए, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करें और आई वुड लव टू गाइड यू। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो मैं ग्रेजुअली इसको पोर कर रही हूँ। कहीं भी नहीं जाएंगे बादाम, परेशान नहीं होइएगा कि पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया तो बादाम इधर उधर भागते ना फिरे नीचे से, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ग्रीस पैन के साथ स्टिक कर दिया है। यहाँ पर देखिए जी, मैंने पैन को 3/4 तक भर दिया है। अब देखें जी, यहाँ पर आ जाती है एक और मेन स्टेप, ये है जी डैपिंग, इसको बोलते हैं डैबिंग। हमने इसको जो है ना करना है अपनी सरफेस के ऊपर अच्छी तरह डैप 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 करते जाएंगे। इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स होंगे जो हमें केक में अक्सर, कभी आपने शायद कभी बेकरी में खाया हो या कभी किसी ने बनाया हो, तो बड़े बड़े से सुराख हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि केक में होती है एयर और उसकी वजह से जो है ना वो सुराख बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्री हीटेड ओवन में रख दिया है। अब इसको हमने कर लेना है 45 मिनट्स तक बेक, ठीक है ना। बार बार लिड नहीं ओपन करना आपने इसका, इसको आपने बार बार चेक नहीं करना, और इसकी जो आंच है वो हमने बिल्कुल मीडियम वाली रखनी है, यानी जो दम वाली आंच होती है वो वाली। प्री हीट हमने फुल पे करना है, ठीक है। पैन रखने के बाद थोड़ी देर के लिए, यानी कि 3 से 4 मिनट हमने फुल ही रहने देना है, क्योंकि हमने लिड उठाया है तो कहीं हीट इफेक्टेड ना हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने दम वाली आंच कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई स्टेप आपने मिस कर दिया हो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हाँ स्किप करके मत देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सारे के सारे मसले जो है ना वो इस केक की रेसिपी के बाद सॉल्व होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं केक की बीटिंग के प्रोसेस की वजह से, तो वो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का, इतना प्यार देने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है। जी तो देखिए माशाल्लाह कितना ही सॉफ्ट, मोइस्ट, ड्राई नहीं लगेगा आपको खाने में, च्यूई नहीं लगेगा। इसके ऊपर आप चाहें तो इसके ऊपर जैम को मेल्ट करके डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। मुझे इतना ही स्वीट पसंद है ऑनेस्टली, इससे ज़्यादा स्वीट मैं खा नहीं सकती हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा शौक से, तो ये वाला हमारे लिए ओके था और इससे ज़्यादा स्वीट हम लोग खाना नहीं चाह रहे थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, इसका टेक्सचर ही आपको बताएगा कि ये कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। ये नहीं कि ये मेरा है, इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपका भी ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ देखिए जी, मैं इसका एक बाइट टेस्ट कर रही हूँ और आपके लिए पेश कर रही हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। ये बस आपने मुझे ज़रूर बताना है, बाकी बातें छोड़ दें। हाँ, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। और बहुत शुक्रिया मुझे वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़।